तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइज, अभी मैं हूँ बाबा नगरी देवघर में, जो कि झारखंड का एक ज़िला है। सब लोगों को पता होगा, जिसको नहीं पता है वो सारा जानकारी मैं आज देने वाला हूँ। तो अभी मैं बाबा नगरी देवघर में हूँ, और ये जो दिख रहे हैं ना रोड, ये सारा जो बांस का रोड दिख रहा है बनाया हुआ, इसी में श्रद्धालुओं को 10 किलोमीटर तक राउंड लगाया जाता है, क्योंकि इतनी पब्लिक को संभाला नहीं जा सकता है मंदिर के अंदर। इसके लिए यहाँ पे ये सारे लाइन जो दिख रहा है आपको, ये बांस वाला इधर दिखाओ, ये जो सारा लंबाई दिख रहा है आप लोगों को, लंबा सारा जितना ये रोड के साइड साइड में बनाया गया है, और इसी के चारों साइड में लोगों को घुमाया जाता है, और यहीं से घुमा के लोगों को 5-10 किलोमीटर तक घुमाते हैं। चलो अभी अंदर चलते हैं और अंदर का सीन मैं दिखाता हूँ पूरा। तो वीडियो में कंटिन्यू बने रहिएगा, यहाँ का सारा जानकारी मैं आप लोगों को देने वाला हूँ। तो चलिए फिलहाल अभी वीडियो को कंटिन्यू करते हैं और मिलते हैं आगे। तब तक के लिए अभी रास्ते का सारा मैं सीन दिखाता हूँ, दिखाओ आगे। तो गाइस, अभी हम लोग ये शिवगंग की तरफ जा रहे हैं, और यहाँ से लोग जल उठाते हैं और मंदिर की ओर पूजा पाठ करने के लिए जाते हैं। तो ये फिलहाल शिवगंग चलते हैं और शिवगंग का मैं सीन दिखाता हूँ, उसके बाद में सारा आगे का वीडियो का जानकारी दूंगा। चलिए हमारे साथ वीडियो में बने रहिए, और बाबा धाम का दर्शन करवाते हैं आप लोगों को। तो बस ऐसा ही आप लोग सपोर्ट बनाए रखें और मेरे साथ बने रहे, आज पूरा बाबा धाम देवघर का दर्शन कराने वाले हैं। चलिए गाइस, तो गाइस फिलहाल अभी देख सकते हो नीचे शिवगंग है, तो नज़ारा कुछ देख सकते हैं, बहुत ही प्यारा है, मन आत्मा तृप्त हो जाता है यहाँ पे दर्शन करने से। तो अभी शिवगंग का पहले नज़ारा आप लोग देख सकते हैं, उसके बाद हम जाएंगे मंदिर की ओर, फिर मंदिर में सारा सीन दिखाने वाला हूँ क्या है। मैं पहली बार आया हूँ बाबा धाम, तो जो नहीं आया वो मेरे साथ बने रहें, आपको बाबा धाम पूरा घुमाने वाला हूँ। तो चलिए, मेरा फर्स्ट टाइम है बाबा धाम मंदिर देवघर में, तो फिलहाल अभी हम मंदिर जाते हैं, और वहाँ का क्या सीन है कोई रूल मुझे भी पता नहीं है। तो चलिए आगे चलते हैं, मेरे साथ घूमते रहिए, बाबा धाम का मज़े लेते रहिए। सो गाइस, फाइनली हम लोग मंदिर की ओर प्रवेश करने वाले हैं। तो देख सकते हो दोनों साइड में एकदम चमचमाती दुकान लगी हुई है, और यहाँ का जो है ना सबसे ज़्यादा फेमस मिठाई वो है पेड़ा। इधर दिखाओ पेड़ा कैसे काउंटर में पूरा दबा के, और सारी चीज़ यहाँ मिलती है, कोई ऐसा चीज़ नहीं जो कि आपको नहीं मिल सकता। दुकान एकदम चमचमा रही है, दोनों साइड पेड़ा की दुकान सजाई गई है। तो फाइनली हम लोग मंदिर पहुंच चुके हैं अमर भाई। फाइनली हम लोग मंदिर की ओर पहुंच चुके हैं, ये रहा मंदिर, बस मंदिर हम लोग अंदर प्रवेश करने वाले हैं, बाबा भोलेनाथ के, और हम लोग अभी अंदर प्रवेश करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग जूता चप्पल उतारते हैं, फिर थोड़ा पैर हाथ धुलते हैं, ठीक है, फिर अंदर की ओर चलते हैं। ये तो फाइनली गाइस, लोग मंदिर प्रांगण में आ चुके हैं, और भोलेनाथ का देखते हैं दर्शन होता है कि नहीं। फिलहाल क्राउड तो अभी भी सावन में तो बोलो ही मत, उसमें बोल ही नहीं सकते, फिर भी अभी चालू दिन में भी क्राउड दिखा सकते हो, क्राउड बहुत ज़्यादा है। तो चलिए फिलहाल अभी अंदर जाते हैं, और यहाँ क्या रूल है बाबा भोलेनाथ का, क्या दर्शन कर पाएंगे या नहीं, वो सारा चीज़ें दिखाता हूँ। तो चलिए व्हाट्सएप बने रहिए। फाइनली ये रहा मेन मंदिर, जहाँ पे लोग भोलेनाथ का दर्शन करने के लिए आते हैं, और इसी के लिए लंबी कतारों 4-5 किलोमीटर के दूर में घूमने के लिए आते हैं। और इधर मेन मंदिर यही रहा, और भी लोग फिलहाल पूजा वूजा करते हैं, फिर आप लोगों से मिलते हैं। अभी चलते हैं अंदर, और अंदर मैं आप लोगों को सीन दिखाता हूँ कुछ बहुत ही, अभी भीड़ खास नहीं हो जाएगा, और सावन के महीने में तो भीड़ चपचपा के लगा रहता है। तो फिलहाल अभी देख सकते हैं इधर पूरा प्रांगण खाली खाली लग रहा है देखने में, और इधर पूजा पाठ का सब व्यवस्था है। ये इधर मंदिर है, इधर देख सकते हो,
जो आप लोगों ने फोटो में देखा होगा ना, भोलेनाथ का मंदिर का जो मेन फोटो है वो फोटो देख सकते हैं। ये वाला सीन है, ये जो यहाँ से वहाँ तक गया हुआ है ये इस वाला सीन है। ये धागा वाला आपने देखा होगा वीडियो में, ये सारा यही सीन है। ये देखो पीछे ये सारा सीन है। इधर पुलिस प्रशासन का भी अच्छा व्यवस्था है। चलेंगे यहाँ से, पूजा पाठ तो फिलहाल कर ही लिए, भोलेनाथ का दर्शन हो ही गया है। इधर देख सकते हैं यहाँ जो मेन भोलेनाथ का जो मंदिर है, ये मेन मंदिर है और यहीं से लोग अपना मन्नत को पूरा करते हैं। साफ सफाई एकदम तगड़ा रहता है इधर, सफाई के लिए कोई दिक्कत नहीं है, साफ सफाई एकदम तगड़ा रहता है। फिलहाल देख सकते हैं इधर पूजा अर्चना चल रहा है पूरा, सब बाबा भोलेनाथ के भक्ति में लीन है। ये सरस्वती माता का मंदिर है इधर, और इधर सारे देवी देवता का मंदिर है, देख सकते हैं आप लोग। और मतलब मैं पहली बार आया यहाँ आके दिल खुश हो गया, एकदम मन आत्मा तृप्त हो गया गाइस। तो जो झारखंड बिहार से वो तो देखे होंगे, और जो दूर से है वो कभी आइए, बाबा धाम में आपका वेलकम है। और यहाँ से भोलेनाथ से आके मिलिए, आत्मा एकदम आप लोगों का भी तृप्त हो जाएगा, जो मनोकामना वो पूरा होगा। ये तो ऊपर वाला का कृपा है कि हम लोग ने आज दर्शन हो गया। तो चलिए फिलहाल बाहर साइड में चलते हैं, और अंदर में भी बहुत सारा सीन बाकी है। हेलो, अभी शाम हो चुका है, 7 बज गया सीन, इसलिए थोड़ा भीड़ कम है। अभी चलते हैं, फिर देखते हैं आगे क्या होता है। अभी आरती लगने का तैयारी चल रहा है, 7 बजे आरती लगेगा। तो चलिए फिलहाल अभी देखते हैं, अगर आरती लगेगा तो आरती का वीडियो मैं बनाऊंगा अलग से। चलो लोग बोल बोल। तो फाइनली दोस्तों लोग मंदिर से बाहर निकल चुके हैं, बाहर का नज़ारा देख सकते हैं, दोनों तरफ जगमगाती एकदम लाइट से पूरी, मतलब जगमगाती दुकानें लगी है पूरा। आगे मंदिर का मैंने जितना हुआ वो तो दिखा ही दिया। तो फिलहाल अभी हम लोग निकल चुके हैं, और आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ में। तो ब्लॉग कैसा लगा लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करते हुए जाना, और जो होता है फिर नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताते हैं। तो चलिए आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ। जय हिंद, जय भारत।